जो होंगे, ये HSN कोड, ये है ना HSN कोड, ये है। इसमें टैक्स रेट हो जाएंगे और ये चैप्टर आईडी। अब ये चैप्टर आईडी कहाँ से आया उसको जरा सा देखिए, जितने भी FC आइटम है ठीक है, उसके चैप्टर आईडी ये कहाँ से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्लाइंट सीट दे रखा होता है हम पहले उसके आते हैं। जैसे देखिए मैंने ये आपके FC आइटम मैंने यहीं से चढ़ाया है, तो ये जो क्लाइंट हमें दे रखा होता है, ये हमें क्लाइंट दे रखा था, इसमें इसने HSN कोड भी दे रखा है। लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका HSN कोड है ये, ठीक है। और इस HSN कोड को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ये किया फिल्टर किया ठीक है, और फिल्टर करने के बाद हम इसमें से डुप्लीकेसी को हटाते हैं, जितने भी डुप्लीकेट है उसको हटा देते हैं, रिमूव करते हैं ठीक है। आपका डुप्लीकेसी इसमें से हटेगा, डेटा में होगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सर वीव पे देखो, इसमें व्यू पे डुप्लीकेट वीव में मिलेगा सर? हाँ सर, यार मैंने हटाया तो है ना, अभी या तो होम में होगा या डेटा में, दोनों में से किसी एक में होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर डेटा पे सर, रिव्यू तो पे डेटा देखना पे, सर, डेटा हाँ डेटा में आई थिंक होगा, पे, डेटा पे जाओ। है ना। अब अभी आप हाँ कहाँ है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट करके आता है, क्लियर हाँ डुप्लीकेट, होता सर, डिजाइन पे करके देखने। डिजाइन पे नहीं होता, ये होता है इसी पे है। आपका होम में होता है या फिर इसमें होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा में ही है सर, लेकिन वहां पे आपका वो शो नहीं कर रहा है उस पर। डेटा में है, है डेटा ना में जाइए डेटा, आप। हाँ डेटा में हाँ ही वो देखिए, उस पर मतलब अनचेक टाइप का हुआ है, डाटा वैलिडेशन के ऊपर इधर। ना। हाँ ये देख, इसके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा है, लेकिन वो अनचेक लिखा हुआ है वहाँ उसके ऊपर। हाँ यहाँ वो मुझे लगता है एक बार फिर से सेलेक्ट करिए, रो सेलेक्ट करिए पूरी, तो ऐसे नहीं, वो ऊपर W पर क्लिक कर दीजिए, ऊपर में W पर क्लिक करिए, फिर डेटा में था ना ये, आ यहाँ गया यहाँ आ गया आ ये। गया। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि आइटम कोड आइटम, हमें जो वो कॉलम है उसी में से वो करना है, तो मैं ले रहा हूँ HSN कोड वाला जो होगा वो, ये है ना, सिर्फ ये रहेगा, बाकी सबको आप अनसेलेक्ट कर दीजिए। तो अनसेलेक्ट ऑल ठीक है, और HSN कोड वाला इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें से क्या हो जाएगा, जितने भी, अच्छा कोई भी डुप्लीकेट नहीं है बोल रहा है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, सारे डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे इन सबको कॉपी करके हम उसमें डालेंगे HSN कोड। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे सेप में, और यहाँ पे आने के बाद ये जो आप देख रहे थे सेक्शन, जो ये था GST वाला, इसमें ये यहाँ पे HSN कोड पड़ता है। आप जब ये टेबल खोलेंगे तो इस तरह से देखिएगा, ये न्यू में आएंगे ठीक है, एक पड़ा हुआ, बाकी सबको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कंट्रोल वी मैंने जैसे ही किया ये सारे कॉपी पेस्ट हो गए। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से चलाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 डिजिट इसमें डालेंगे, 2 डिजिट इसमें डालेंगे, 2 डिजिट इसमें डालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं ठीक है। तो उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 डिजिट इसमें डालिए, आप सेग्रीगेट कर लीजिए एक्सेल में, कॉपी पेस्ट जैसे ये हो रहा है उसमें भी आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और आप उसको निकाल, आप ऐसो एडिशन को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग इसमें भी डाल देते हैं, इससे भी काम चल जाता है, तो इसीलिए इसी में डालते हैं, क्योंकि बार बार डालने की जरूरत भी नहीं रहती है। जब फर्स्ट टाइम आप डालेंगे इसको, तो आपका ये जो सीरियल नंबर इधर का होगा वही आपका चैप्टर आईडी होता है, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप इसको अपडेट कर देंगे तब ये HSN कोड नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वो आपका रिसफल कर जाता है,
तो उस केस में आपको क्यूरी मैनेजर से निकालने पड़ेंगे एचएसएन कोड। फर्स्ट टाइम आप यहीं से ले लीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए और सीरियल नंबर में आ जाएगा, तो वो आपका मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो उस केस में आपको डिफरेंट लेने पड़ेंगे, अदरवाइज उस केस में आपका एचएसएन कोड मैप नहीं होगा, वी लुकअप लगा के चैप्टर आईडी उठाने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे वो चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता नहीं कि इतना प्योर, सारे डुप्लीकेट होंगे इसमें जरूर, कैसे डुप्लीकेट नहीं दिया उठा के, काफी है इसमें तो डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे अपने बोलेगा जरूर कि डुप्लीकेट है, सारे के सारे ले लिए। गुड, चलिए अब ये जब हो गया तो हम क्या करेंगे, अब ये जितने भी आइटम्स है ये फिनिश गुड का है, तो हम यहाँ पे आएंगे क्यूरी मैनेजर में, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका वही होता है। आप निकालने के लिए जी वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप आ जाइए यहाँ क्यूरी मैनेजर में, सॉरी क्यूरी जनरेटर, आप यहाँ पे आइए क्यूरी जनरेटर में, ठीक है। और चैप्टर आईडी का जो होता है टेबल नेम जो होता है OCHP, आप टाइप कीजिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखिए चैप्टर आईडी या OCHP, चैप्टर आईडी आप लिखेंगे तो भी आ जाएगा, चैप्टर आईडी, इंडियन चैप्टर आईडी, चैप्टर आईडी आया नहीं, देखिए इंडियन चैप्टर आईडी पूरा होगा, चैप्टर आईडी नहीं है, चलिए मुझे टेबल याद है OCHP, ये इंडियन चैप्टर आईडी के नाम से, तो इसको चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद आप जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए ये आपका आया, ये एक्चुअल चैप्टर आईडी होता है। जब भी निकालिए तो इसी तरह से निकालिए, नहीं तो होता क्या है उस केस में आपका एचएसएन कोड डिफर कर जाता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, कॉपी टेबल कर लीजिए। कॉपी टेबल करने के बाद आप इसको क्या कीजिए, इस टेबल को यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ पे ले आइए और यहाँ पे आप कंट्रोल यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस एचएसएन कोड का चैप्टर आईडी ये हो गया जो इंटरनल की दिखा रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जहां पे हमें क्लाइंट ने ये चैप्टर आईडी दिया वहां पे 1 डालना है, जहां पे ये एचएसएन कोड दिया वहां पे 2 डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एचएसएन कोड को हम सबको इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जब भी लुकअप लगाएंगे तो इस साइड होना चाहिए, अगर उधर रहेगा तो ये नहीं लेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको मैंने डिलीट मार दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे जो हमारा आइटम लिस्ट है, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे भी लुकअप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले मैं डिलीट मार देता हूँ जो पहले से है, ये भी वही भी लुकअप लगा के मैंने चैप्टर आईडी निकाले तो वही है। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इक्वल टू भी लुकअप करेंगे, भी लुकअप किया, ठीक है। अब भी लुकअप जो लगाना है वो किसके लिए, इसको सर्च करना है उस टेबल में कि उसका चैप्टर आईडी क्या है, तो इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आ जाते हैं उस टेबल पे जिस टेबल से हमें सर्च कराना है, तो ये है वो टेबल, ठीक है। उस टेबल से ये मैंने सेलेक्ट किया ये, और इसको मैंने पूरे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद अभी इसमें कॉलम नंबर क्या है, 1, 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा 2, ठीक है, क्योंकि 2 कॉलम में जो वैल्यू आ रहा है वो हमें उठा के लानी है, कॉमा 0 और क्या कर देंगे, उसके बाद इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर उठा के लाया, अब मतलब कि 2 नंबर पे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वी लुकअप जब हमने लगाया तो ये 8481 जो है वो हमारा 2 नंबर पे होगा इस टेबल में। अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ फिल्टर लगा के, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 84 क्या था, 8481 यही, ये देखिए 2 नंबर पे है, ऑटोमेटिकली हमारा ये आईडी आ गया, तो ये चैप्टर आईडी है, इसको हमें अपडेट करना है। अब जैसे ही आपने वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट करके आप जब डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप फार्मूला लगा हुआ है, सारे चैप्टर आईडी आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ गए। अब ये चैप्टर आईडी आ गया, यही चैप्टर आईडी क्या होगा, उस आइटम मास्टर जो कोड होगा उसी पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये OITM है, यहाँ पे चैप्टर आईडी उठाया, ठीक है, ये चैप्टर आईडी हमने वहां से उठा के पेस्ट कर दिया, सारे चैप्टर आईडी यहाँ पे आ गए, ठीक
ठीक है, ये चैप्टर आईडी आ गए यहाँ पे। अब हमने ये, अगर ये आइटम है FG1 है तो उसका चैप्टर आईडी ये है, ये सारे हो गए। अब इस पे रेट कितने जा रहे हैं, तो 18% का ही आइटम है, अगर कोई 12% का है, कोई 5% का है, उतना ही परसेंट हम इस पे डाल देंगे। तो इसको करने से पहले हमें क्या करना होगा कि इस कोड को नहीं बल्कि हमारा जो आइटम है वो ये है, ठीक है, ये हमने HSN चलाया था। हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ आइटम कोड हम यहाँ से उठाते हैं, सारे आइटम कोड को, क्योंकि इसी को हमें अपने, ये मैंने उठाया कंट्रोल से किया और उस टेबल में जो HSN कोड वाला जो अभी था उसमें हम अपडेट कर देते हैं, यहाँ से ये मैंने अपडेट कर दिया उसकी, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें उतने आइटम है नहीं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बाकी को यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि हमने जो डाला था 467 ही डाले थे और हमने जो क्लाइंट वाले जो सीट लिए उसमें ज़्यादा आइटम थे। आपने देखा था नीचे आके जो भी जो आपका कैपिटल आइटम था उसको छोड़ के मैंने वो लिया था, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा हो रहा है। जितने भी परसेंट के आइटम होंगे सारे परसेंटेज हम यहाँ पे डाल देंगे। सपोज दैट ये अगर 12% है तो हम इसको 12% डाल देंगे, ठीक है। ये सारे डालने के बाद ये सारा मैंने इस पर, ठीक है, अब इसमें परसेंटेज भी आ गया, टैक्स भी आ गया, उसके बाद इसका HSN कोड भी आ गया। अब इस, ये भी क्या है, सेम ही टेबल है, OITM टेबल ही है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, जो मैंने HSN कोड कैसे लाया, उसका चैप्टर आईडी कैसे लाया, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बताओ। सर इस रेट का थोड़ा सा बता दीजिए, क्या बताएं, रेट, रेट का रेट तो क्लाइंट दे रखा होगा ना, हमें ऑलरेडी दे रखा है कि आइटम 12% का है कि 5% का है कि 6% है, जो वो देगा उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, उसमें तो कुछ करना ही नहीं जीएसटी टैक्स रेट में। अब उसको कैसे मैप करेंगे हम SAP में, उसको मैं बताता हूँ। यूजर डिफाइंड फील्ड बनाया जो मैंने उसको बताता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो कोई माइग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये टेबल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये फील्ड अभी SAP में हमारा नहीं बना हुआ, इसको हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को पहले सेव करके रखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या दे दिया, OITM चैप्टर आईडी, चैप्टर आईडी, इसके नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा SAP में थोड़ी सी इसकी करामात दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज ये टेबल चलेगा नहीं। तो करामात क्या दिखानी पड़ेगी, अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो यूजर को क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको मैनुअली टेक्सपोर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको आप कस्टमाइज कर देंगे तो यूजर को बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। हम आएंगे सबसे पहले आइटम मास्टर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड फील्ड होता है, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें यूजर डिफाइंड फील्ड बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में आने के बाद ये देखिए क्या है आपका कस्टमाइज टूल्स, इसमें देखिए यूजर डिफाइंड वैल्यू, यूजर डिफाइंड फील्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या है, मास्टर डेटा, मास्टर डेटा पे आप क्लिक कीजिए। मास्टर डेटा में क्लिक करने के बाद जितने भी आपके है मास्टर सारे आते हैं यहाँ पे, देखिए बिन लोकेशन, ये यहाँ पे देखिए ये आइटम्स है, यहाँ पे आएंगे ये आइटम्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, एड करेंगे यहाँ पे। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फील्ड। ये यूजर डिफाइंड फील्ड और UDO यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होता है, यही चीजें होती है जो SAP में कस्टमाइजेशन के लिए यूज होता है। और SAP V1 एक ऐसा मॉड्यूल है SAP का कि जिसमें लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन है, बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, आप कस्टमर की नीड्स को देखते हुए आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्या नाम है उसका देख लीजिए जरा सा टेबल में, आप देखिए क्या नाम था, U_ समथिंग करके था, उसी नाम से बनाना होगा नहीं तो फिर हमें नाम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसको देखता हूँ कहाँ गया, ये है चैप्टर आईडी, ये था आपका GST रेट। तो मैं यहाँ पे नाम बनाता हूँ क्या कि GST रेट मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, यहाँ पे होगा कैपिटल GST, ठीक है, _ रेट, ये मैंने टाइटल बना दिया रेट में, उसमें स्मॉल में या कैपिटल में देख लीजिए, स्मॉल में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए GST टैक्स रेट, GST टैक्स रेट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वैल्यू जो होगा परसेंटेज में होगा, तो अल्फा नुमरिक रखना है, नुमरिक रखना है, यूनिट टोटल जनरल, तो हम लोग अल्फा नुमरिक रखते हैं, ठीक है,
अल्फा में भी होगा, नंबर में भी होगा, लेंथ कितना 10 बहुत है, रेगुलर ठीक है, और इसके बाद इसको वैलिडेशन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये पूछेगा डेटाबेस स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज, क्या करना है, ठीक है, यस डू यू वांट टू चेंज, यस, तो बना नहीं, आइटम नंबर इज मिसिंग, आइटम नंबर आइटम से बनाएंगे हम ऐड जीएसटी रेट इसमें, अच्छा गड़बड़ है, सही हुआ जो नहीं बना। अब देखिए यहाँ से वैलिडेशन में हम आएंगे लिंक एंटिटी वैल्यू वैलिड वैल्यू, हाँ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारा टेक्स्ट जो होता है उसको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले क्या था 0% नील रेटेड वाला, तो यहाँ भी 0 डाल देंगे, कितने कैटेगरी के हैं सारे डालेंगे क्योंकि इसमें ड्रॉप डाउन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको करने के बाद आप आ जाएंगे दूसरा 0%, दूसरा क्या आएगा 5% का, तो इसमें हमने 5% डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। फिर तीसरा क्या आएगा 12% का, तो हमने इसमें 12% डाल दिया। फिर चौथा क्या आ जाएगा 12 के बाद 18% चलेगा, ये हमने 18% डाल दिया। फिर उसके बाद क्या हो सकता है 18 के बाद 28%, यही तो हो सकते हैं पाँच, और तो कुछ नहीं हो सकता, ये पाँचों कैटेगरी हमने इसमें बना दी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं, वो क्या रहा है यार, अच्छा ये आइटम मास्टर खुला हुआ ना इसलिए हाँ अब आया। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, आप इग्नोर करेंगे, अब ये फील्ड आपका यहाँ पे देखिए जीएसटी रेट करके बन गया, ठीक है। अब ये जीएसटी रेट करके बना है, अब आपको चेक करना है कि बना हुआ है कि नहीं, तो आप आ जाइए आइटम मास्टर पे, इन्वेंटरी आइटम मास्टर, आइटम मास्टर में आने के बाद यहाँ पे आ जाइए व्यू यूजर डिफाइंड, यहाँ पे देखिए ये रेट आ गया, कंट्रोल ए करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन 0, 5, 12, 18, 28 का आ गया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे किसी भी आइटम में, सपोज दैट मैंने कोई आइटम उठाया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये आइटम लिया और इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि ये 12% टैक्स का, जैसे ही अपडेट कर देंगे यहाँ पे ये 12% का आइटम है, तो जब भी हम ये आइटम सेलेक्ट करेंगे तो 12% अपने आप उठा के लाएगा, ये या तो IGST होगा तो IGST लेके आएगा, अगर CGST होगा तो CGST लेके आएगा, सिस्टम अपने आप डिफाइंड करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी जितने भी आइटम है सबके, अब हमारा ये बन चुका है। अब आपको देखना है कि इस फील्ड को कि ये क्या आएगा, तो यहाँ पे आप रहिए कंट्रोल ए कीजिए और देखिए जो मैंने टेबल में बनाया है क्या वही फील्ड नेम आ रहा है या डिफरेंट। आप यहाँ पे देखिए क्या रहा है, यहाँ कॉर्नर में देखे OITM के बगल में क्या दिखा रहा है, U_GST_rate, यही नेम यहाँ पे भी जा रहा है U_GST_rate, क्लियर है। अब इस टेबल को हम लोग चलाएंगे DTW के थ्रू, तो अब हम इसको सेव कर देते हैं जैसे था, इसको बंद किया, ठीक है। इसको बंद करने के बाद अब हम इसको DTW से चलाएंगे, तो यहाँ आए DTW पे इंपोर्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट सेम आइटम मास्टर डेटा नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे अपडेट, क्योंकि अब नया नहीं हम कर रहे हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसी को अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट न्यू डेटा कहाँ पे आ जाएंगे, इन्वेंटरी में आएंगे, आइटम मास्टर नेक्स्ट, ठीक है। अब हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिस टेबल को हमें चढ़ाना है, नेक्स्ट करने के बाद OITM चैप्टर आईडी उठा लेंगे, क्या हो गया इसके, अच्छा नॉट रिस्पॉन्डिंग, लगता फिर से बना कर चलाना पड़ेगा, बस 2 मिनट का काम है, उसके बाद फिर ऑफ करेंगे।